लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक चल रहा है उस पर एचसीएफ का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो हमारा होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये लिया हमने 6 और यहाँ ले लिया 8। अब बात करते हैं इनके मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल देखो, 6 का मल्टीपल मीन्स उनके जो गुणन 6 की टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और ऐसे कहीं तक भी जा सकते हैं। मल्टीपल जो सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर होता है और सबसे बड़ा कोई नहीं पता, मतलब जितने के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाए वो बढ़ता चला जाता है। जैसे यहाँ से 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और आगे, ये होते हैं इनके मल्टीपल्स। अब बात आई कॉमन मल्टीपल की, इनमें कॉमन कौन सा है। देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा कॉमन आ रहा है निकल के वो आया यहाँ से ये 24। 24 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 24 है और इसमें भी है। 24 के बाद आ जाता है अपना कौन सा 48, 48 भी है। कहने का मतलब अब जो मल्टीपल जो कॉमन होगा वो इसके मल्टीपल में ही होगा। नेक्स्ट कौन सा होगा 72, उससे बाद कौन सा होगा ये 96 कुछ ऐसे। लेकिन बात आती है एलसीएम की। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, जो भी मल्टीपल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है वही रहता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आए समझ। अगर हम बात करें 6 और 8 के एलसीएम की तो आंसर हो जाएगा 24। आए समझ। देखिए कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे से इन पे देखिए। वैसे ही नॉर्मल एक क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 15, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम क्या होगा। अब इनको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये रहता है जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें वो करें सभी का अलग अलग, यहाँ 15 का ले लें, यहाँ 18 का, ऐसे 24 का, 27 का और 36 का। और एक तरीका ये रहता है तो वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही, कि हम सभी को एक साथ ले लें, सभी को एक साथ, यहाँ से ये आ जाएगा 24 और ये कितना 27 और यहाँ से ये कितना 36। देखो सभी के सभी 3 की टेबल में आते हैं तो हम स्टार्ट 3 से कर सकते हैं। 3 से 5 पे, ये 6 पे, ये 8 पे, ये 9 पे और ये कितने पे 12 पे। फिर से 3 से देख लो, ये 5 जाएगा नहीं तो एज इट इज, ये कितने पे 2 पे, ये भी नहीं जाएगा तो ये कितने पे 3 पे, ये जाएगा 4 पे। अब 2 से देख लो इनको। वैसे कहते तो ये है कि स्टार्ट हमेशा छोटे से करनी चाहिए। अगर देख रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो सभी को बराबर हमारा डिवाइड करता है तो हम उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। देखो 5 एज इट इज, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 4, ये एज इट इज और ये 2 हो जाएगा। अभी और जाएगा, ये यहाँ से ये 2, ये 3 एज इट इज और ये 1। अब अगर हम 5 से करेंगे तो ये जाएगा, बाकी नहीं तो इस केस से आगे हम इसको छोड़ सकते हैं। अब देखो होता क्या है, एच सी एफ, अगर ऐसे ही एच सी एफ निकालने की बात करें, मैं आपको अभी बात करता हूँ एच सी एफ की, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर इस तरीका से एच सी एफ निकालते हैं, जो नंबर जब तक सभी को बराबर डिवाइड करता है, मतलब वो सभी के लिए है, जैसे ये 3 है, 3 इसको 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 इन सभी को डिवाइड करता है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इसका जो एच सी एफ है, इन सभी नंबरों का जो एच सी एफ है वो क्या हो जाएगा अपना 3। लेकिन एलसीएम में क्या रहता है कि एलसीएम में अब जो ये नंबर है कॉमन वो तो है ही, और साथ के साथ इन सभी का मल्टीपल करेंगे वो होता है हमारा एलसीएम। जैसे 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दिया 360, 360 दिया 36 दिया 108 मीन्स 1080। तो जो इन सभी का एलसीएम है वो कितना 1080। आए समझ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इसका हमें एलसीएम निकालना है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, होता क्या है कि अगर पूछा जाए एलसीएम तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसका एलसीएम और इसका निकलेगा एचसीएफ। और अगर बात करते हैं एचसीएफ की तो इसका एचसीएफ और इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। मतलब जो पूछा जाता है न्यूमरेटर तो वो निकालेंगे और जो दूसरे वाला डिनोमिनेटर का ऑटोमेटिकली एलसीएम से दूसरा एचसीएफ ही निकालेंगे। इसका यही तरीका रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 11, 55, 33 और 44 है हम इसका निकालेंगे एलसीएम। ये सभी 11 से जाते हैं तो 1, 5, 3 और 4। अब इनको करने की कोई जरूरत ही नहीं कि सीसी नंबर से नहीं जाएंगे, तो 4 3 12, 12 5 60, 60 और गुना 11 कितना हो जाएगा 660।
ये 14, 42, 35 और 63 सभी की सभी हमारी 7 की टेबल में आते हैं, 7 दूनी 6 पंजे और निम्मा। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा इनका एचसीएफ है वो कितना है 7, और ये हो जाएगा इनका आंसर। आए समझ? देखिए कई बार क्वेश्चन को ऐसे पॉइंटों में दे देता है, बताइए इसका एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी। एलसीएम पूछा है, एचसीएफ भी बता देता हूं मैं, दोनों को समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमको पॉइंट को हटाना रहता है, जो ये 0.36 है, हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 4 से ये 9 पे जाएगा और ये कितने पे, 25 पे, तो हमारे सामने जो संख्या आ जाएगी 9/25। ये 1.2 है, इसका पॉइंट हटेगा तो 10, इसका भी हटेगा तो कितना 10, तो ये 2 से जाएगा 6 पे और 5 पे ये कितना आ जाएगा 6/5। ऐसे ये भी जाएगा कितने से, 2 से ही जाएगा, 2 से कितने पे जाएगा, ये 24 पे और ये 5 पे, तो कितना आ जाएगा 24/5। अब पहले केस में हमें इनका निकालना है क्या, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालना है तो सीधा सीधा हमें पता है जो 9, 6 और 24 है इनका एलसीएम लेंगे हम, ले लेते हैं। ये 3 से जाएगा 3 पे, ये 2 पे और ये 8 पे, ये 2 से ले लेते हैं, ये 3 as it is 1 और 4, 4 3 12 3 24 3 72। हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आया निकल के 72 और नीचे कितना है ये 25, 5 और 5, जो इनका एचसीएफ है वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 5। तो एलसीएम इस वाले क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 72/5। एचसीएफ में हमें पता है जो न्यूमरेटर है इसका एचसीएफ निकालना, और डिनोमिनेटर क्या क्या उल्टा एलसीएम हो जाएगा। 9, 6 और 24 इनका एचसीएफ, तीनों किसकी टेबल में आती है, 3 की में, तो एचसीएफ हो जाएगा इनका कितना 3। अब ये 25, 5 और 5 इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 25, क्योंकि 5 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये कितने भी जाएगा एकम पे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा एचसीएफ और ये हो जाएगा एलसीएम। आए समझ? आज इस वीडियो में इतना ही, जो छोटे छोटे दो इंट्रोडक्शन लास्ट मैंने एचसीएफ का और इसमें हमने एलसीएम डिस्कस किया, आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी जो इंट्रोडक्शन एलसीएम को सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होंगे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।